असलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी फ्रेंड्स, आज हम जो है वो बात करने वाले हैं लॉरीज एंड लॉराकीट्स के ऊपर। तो मैंने जो है वो शौक के लिए जो है, क्योंकि ये बर्ड जो है वो सिर्फ शौक के लिए लगाए जाते हैं, प्रोफेशनली मेरे ख्याल से बहुत कम जो है वो लोगों ने फार्मिंग की हुई है इसकी। और मेरे पास जो है वो इस वक्त 3 पेयर हैं, जिसमें एक ये पेयर है रेड कॉलर का, दूसरा स्विंसन का और तीसरा जो है एक रेनबो और एक स्विंसन का पीस है। तो ये 3 पेयर जो है ये मैंने अपने शौक के लिए लगाए हुए हैं और आज जो है हम इसी पे जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि हम जो है वो मोस्टली जो है यही बात करते हैं कि लॉरीज, हम जो है वो लॉरीज ही कहते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि कुछ दोस्त पूछते हैं कि लॉरीज और लॉराकीट्स में क्या फ़र्क है। तो आप दोस्तों को बताते चलूँ, वैसे तो हम सब लोग जो है वो इनको लॉरीज ही कहते हैं जी, हमने लॉरीज के पेड़ लगाए हुए हैं। तो उसमें जो है इन दोनों में जो क्या डिफरेंस है वो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों को बताता चलूँ कि लॉरीज जो होती हैं वो साइज़ में थोड़ी बड़ी होती हैं और उनकी टेल जो है वो छोटी होती है, जिसमें बहुत सी जैसे चैटरिंग लॉरी, ब्लैक कैप लॉरी, येलो बिब लॉरी, बहुत सी लॉरीज हैं जो साइज़ में बड़ी होंगी और जिनकी टेल छोटी होगी वो लॉरीज, उनको लॉरीज कहा जाता है। और लॉराकीट्स जिनको हम कहते हैं वो साइज़ में छोटी और उनकी टेल लंबी होती है, तो उनको जो है वो हम लॉराकीट्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में जो है वो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बातें बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि इनका बिहेवियर कैसा है, इनको लगाना ठीक है या नहीं है, इनके प्रोटोकॉल क्या हैं और बहुत सी चीज़ें जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मैं आपके लिए और म्यारी वीडियोज़ बना सकूँ। वेलकम बैक जी जनाब, अगर मैं कहूँ कि दुनिया में सबसे खूबसूरत और एनर्जेटिक पैरट्स कौन सा है तो वो ये लॉरीज होती हैं। लॉरीज दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं और इसको एज अ पेट लोग जो है वो अपने घर में बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक जंपिंग करती हैं। आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि ये डांस करती हैं, खेलती हैं और बहुत फास्ट होती हैं, तो लोग एज अ पेट इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं अपने जो ऑनर के साथ, क्योंकि ज़रूरी है कि आपको उसको हैंड फीड पर पाला हो, अपने हाथ पर पाला हो, तो आपके साथ ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहेंगी। लेकिन इसके जो डाइट प्लान है ये थोड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल इसका खाना पीना, इसका रहना, थोड़ा इनको रखने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर आपने बहुत से पैरट्स रखे हैं और आप जो है वो लॉरीज को भी रखना चाह रहे हैं तो एक दिन में आपने ये बात बिठा लेनी है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ जस्ट दाना पानी परिंदों को डालते हैं तो फिर लॉरीज आपके लिए नहीं है। तो इसके लिए बिल्कुल जो सारा डाइट प्लान है इसकी, जो गरीबों वाला डाइट प्लान और अमीरों वाला डाइट प्लान, वो आगे की इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो लॉरीज़ के बारे में बात करते हैं। लॉरीज़ जो है इनकी अगर औसतन उम्र देखी जाए तो ये तकरीबन 20 से 25 साल जो है वो आपके जो केज में है जो ज़िंदा रहती हैं, डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से रखते हैं। क्योंकि इसकी जो लाइफ की अगर बात करूँ मैं, इसकी जो ज़बान होती है उसमें वो जो है वो छोटे छोटे बारीक बारीक कांटे होते हैं, अगर आप गौर से देखें तस्वीर में। तो साथ साथ मैं आपसे तस्वीरें भी शेयर करता जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो इस पर जो कांटे होते हैं इनके, जिससे ये जो है वो नेक्टर को जो है वो रस पीती हैं या नेक्टर लेती हैं, और अगर हम इनको हार्ड चीज़ें डालने लग जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनके जो कांटे होते हैं ये भुरना शुरू हो जाएंगे, और जब ये भुरजे ख़त्म हो गए तो इनकी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत से लोग जो है वो डिमांड करते हैं कि जी हमें सीड ईटर चाहिए। मैं भी शुरू में जब ढूंढ रहा था मुझे क्या सीड ईटर चाहिए, सीड ईटर चाहिए। तो बेसिकली ये बर्ड नेक्टर बर्ड है, ये चीज़ आपने सबसे पहले आपने ये चीज़ नहीं भूलनी कि ये नेक्टर बर्ड है, ये रस पीने वाला है, ये नेक्टर पीने वाला बर्ड है, ये दाना खाने वाला बर्ड नहीं है। और अगर आप इसकी अच्छी ब्रीड चाहिए तो आपको दाना एज अ ट्रीट के तौर पे इनको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है आपके बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाएंगे अगर आपने इनको सिर्फ दाना पानी पर रखा। तो ये तो बात हो गई इनकी लाइफ की। इसके बाद जो है लॉरीज़ के, जब मिसाल के तौर पर आपने बच्चे लिए, आपने कहीं से बच्चे ख़रीदे, तो आपको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इनके जो फूड है वो आपको सर्व करने पड़ेंगे। बेसिकली देखा जाए तो हम जितने भी पेरेंट्स होते हैं उसमें हम यही कहते हैं कि इनको जो है वो ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं देनी जिसमें शुगर लेवल ज़्यादा होता है,
हम अपने पैरट्स को वो शुगर लेवल वाली चीज़ें नहीं देते, वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपको लॉरीज की अच्छी ब्रीड चाहिए तो उसके लिए आप इसका शुगर लेवल जितना बढ़ाएंगे ये लॉरीज उतनी ही आपके पास अच्छी ब्रीड करेंगी। लॉरीज जो हैं, जितनी भी लॉरीज और लॉरकिट्स हैं, वो इनकी अगर हम ब्रीडिंग एज की बात करें तो किस एज में ब्रीड करती हैं, तो ये तकरीबन 1.5 से 2 साल में ब्रीड के लिए रेडी हो जाती हैं। वैसे अगर अब मेल फीमेल आपके सामने हो तो आप इनका मेल फीमेल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ीमेल जो है वो उसका हेड थोड़ा छोटा होगा और वो इतनी ज़्यादा बल्कि नहीं होगी, बल्कि जो मेल है वो फीमेल की नस्बत ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा कलरफुल भी होगा और साइज़ में थोड़ा बड़ा भी होगा। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप जो है वो इनका DNA करवाएं। जब आप इनका DNA करवाएंगे तो जो है वो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये पेयर है। तो DNA करवाना इनके लिए मस्ट है। जब भी आप बच्चे ख़रीदें तो उनके DNA मस्ट करवा लें ताकि आपको पता हो कि ये मेल फीमेल है, और आप इनको 1.5 से 2 साल का टाइम देने के बाद फिर आप जो है वो इनको बॉक्स लगाएंगे। तो इनकी ब्रीडिंग के ऊपर जो हम डिस्कशन करने से पहले इनकी डाइट प्लान के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि जो कि इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लॉरीज जो हैं, लॉरीज रखने से पहले आप दोस्तों ये ध्यान में रख लें कि ये थोड़ा गंद मचाती हैं, थोड़ी जो है वो इनकी जो पोटी होती है ना स्मेल लाती है, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे पानी की तरह जो है ना वो बारीक पोटी करती हैं, क्योंकि हम ये नेक्टर पीती हैं। और इसकी हेल्थ का अंदाज़ा भी हम इसीलिए लगा सकते हैं कि अगर जितनी बारीक वो पानी की तरह पोटी करेगी समझ लें उसकी हेल्थ अच्छी है, और जितना वो जो है जैसे पैरट्स बीठे करते हैं वैसे करेंगे तो समझ लें कि इनकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो हम इनका भी अंदाज़ा लगाते हैं। और ये जो है दीवार के साथ जो है वो अपने जाली के साथ चिपक के जो है एक अपनी बीट को थ्रो करती हैं, जो कि 3 से 4 फुट तक दूर जाती है, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ी गंदगी भी होती है, थोड़ी स्मेली होती है। आपने जहाँ केज रखे हैं पीछे दीवार आपकी जो है वो गंदी नज़र आएगी, बॉक्स के ऊपर गंद नज़र आएगा, आपके ट्रे जो है हमें इनके ट्रे को धोना पड़ता है। तो ये थोड़ी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है लॉरीज लगाने से पहले कि ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो जो है वो 2 साल में आपने इनको ब्रीड पे लगाना है। अब हम इनका डाइट प्लान डिस्कस करते हैं। तो याद रखें, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दाना इनके लिए नहीं है, ये एक नेक्टर बर्ड है। तो सबसे पहले हम जो है गरीब लोगों के लिए बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है वो इनके मुख्तलिफ डाइट प्लान होते हैं। तो याद रखें कि आपने जो है इनको दिन में कम से कम भी 3 दफ़ा आपने इनको सर्विंग करनी है, बहुत थोड़ी मिकदार में। उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हैं, जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छी ब्रीड करें और ये आपको अच्छे रिजल्ट दें, तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनका शुगर लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है शहद। शहद आपको काली मक्खी का शहद लेना है, जो खालिस शहद होता है, वो आप जो है वो किसी तरीके से चाहे छोटे से बर्तन में इनको चाटने के लिए दे दें सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग। सबसे पहले आपने इनको शहद चाटने के लिए देना है। अगर आपके लिए वो थोड़ा मुश्किल लगता है तो आपने जैसे कि एग ब्रेड सब बर्ड्स के लिए बनाया तो उस पर आप शहद डाल दें, आप वो इसको ट्राई कर सकते हैं। आप जो है वो एक मटेरियल सा बना लें, ब्रेड को आप थोड़ा सा दूध में हल्का सा डिप करके दूध को निकाल लें अच्छी तरह से, और उसमें थोड़ा सा शहद ऐड करके वो भी आप दे सकते हैं। ये तो हो गई सुबह की डाइट। इसके अलावा इनको जो है हम फ्रूट्स का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करते हैं। आप अपने पैरट्स को, जितने भी पैरट्स हैं, उनको फ्रूट डालें ना डालें, इनको आपको डेली बेसिस पे फ्रूट डालना पड़ते हैं। और फ्रूट में ये सेब बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं, जैसा कि जब सीज़न आता है तो माल्टा, मौसमी और किन्नू आते हैं, आप वो इनको दे सकते हैं। उसका ये दरमियान में से 2 पीस किए और वो दे दिए, वो इनका रस बहुत चूसती हैं। और जो सबसे ज़बरदस्त डाइट इनके लिए होती है वो ये होती है कि आप जो है 2-3 फ्रूट्स ले लें। जैसे आपने जो है वो मैंगो ले लिया, एक थोड़ा सा पीस मैंगो का ले लिया, फिर दो चार अंगूर ले लिए। आप 3-4 फ्रूट्स को जो है वो ग्राइंडर में मिक्स करके आप जो है वो बिल्कुल आपने लिक्विड नहीं बनाना, थोड़ा सा पानी डालना है आपने, लेकिन बिल्कुल लिक्विड नहीं, जैसे मिल्क शेक होता है थिक, वो आपने मिल्क शेक जो है वो फ्रूट्स का वो आपने जो है वो आप उनको आपने सर्व कर दिया एक प्लेट में या किसी बाउल में, वो दे दिया। उसके अलावा जो जैसा कि मैंने बताया कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नेक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक छोटी सी टिप है कि आप जो है एक टाइम पे इनको 2 किस्म के जो है वो आटे लेने हैं आपने। एक मकई का आटा लेना है और एक आपने चावलों का आटा लेना है। उन दोनों को आपने बराबर की मकदार में लेके उनको मिक्स करके रख लेना है। और उसके बाद जो है वो आपने जो है एक अलग से जो है वो शक्कर ले लेनी है, जो गुड़ से, जो गुड़ का पीसा हुआ जो गुड़ होता है उसमें जो शक्कर होती है वो शक्कर ले लेनी है। आपने जो है 1 चम्मच जो दोनों आटे मिक्स किए हैं उसका 1 भर के चम्मच एक पतीली में डालना है, और साथ आपने 1 चम्मच आपने शक्कर का डालना है, और उसको जस्ट आपने एक उबाला दिलाना है। जब वो हल्का सा बॉयल हो जाए, थिक सा मटेरियल बन जाए, तो वो भी आप इनको सर्व कर सकते हैं।
इसके अलावा ये तो मैंने आपको सस्ती चीज़ें बता दी, इसके अलावा मार्केट में भी इनके जो हैं वो बहुत से किस्म के नेक्टर मिलते हैं। अगर आप तो के पास एक्सपेंसिव लॉरीज हैं और आप उनको अच्छी केयर कर सकते हैं तो आप जो है वो बने बनाए नेक्टर भी जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज के मिलते हैं, वो भी बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि यार वो मैं नेक्टर बाय ना करूं, और इसके अलावा कोई अच्छी सी आप टिप कहना चाहें कि जो इनकी हेल्थ के लिए अच्छी हो, जो इनकी ब्रीडिंग के लिए अच्छी हो, तो ये जो है ये मैंने चार्ट आपको शेयर कर दिया है। ये चार्ट जो है इसमें आपने ग्राम के हिसाब से हर चीज़ लिखी हुई है। ये जो है आपने ये सारी चीज़ें ले लेनी है, इनको अच्छी तरह से पाउडर बना लेना है, पाउडर बना के आपने रख लेना है। और मज़े की बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप इनको नेक्टर की शक्ल में दें, बाहर के ममालिक में, और मैं भी इस पाउडर को ऐसे इस्तेमाल करता हूँ कि जो आप जो है ना एक अलग सी कटोरी में सिर्फ आप पाउडर डाल दें और साथ आपके पानी पड़ा हो, तो आप देखिएगा कि ये जो है पहले पाउडर को जो है वो सक करेगी, खाएगी और साथ ही पानी पिएगी, तो फिर पाउडर को खाएगी फिर पानी पिएगी, तो ये खुद ही नेक्टर बना के जो अपने जो है वो इनटेक करते हैं, जो कि इनकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये जो है ये सारा इनका डाइट प्लान था, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इनको दे सकते हैं। इसको आप जो है वो गन्ना जो है, गन्ना अगर आप ले लें शुगर कैन, आप गन्ने को साइड से थोड़ा सा स्लाइस उतार के तो गन्ना अगर आप देंगे तो ये वो भी बहुत शौक से बिल्कुल उसके अंदर से खाली कर देती हैं। हम इनको गन्ना भी देते हैं और जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें जूस पाया जाता है वो अगर आप इनको देंगे तो जूसेज इनकी हेल्थ के लिए बेहतरीन है और अच्छी ब्रीड के लिए ज़बरदस्त है। केज साइज़ की बात कर लें तो आप जितना अच्छा इसको केज देंगे, जितना अच्छा ये फ्लाई करेगी, उतना ही इसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और इसकी ब्रीडिंग के लिए भी अच्छा है। मिनिमम अगर केज साइज़ की बात करें तो 2x2x4 का जो पोर्शन है वो इसके लिए बेस्ट है। अगर आप मिनिमम आपको बता रहा हूँ, वैसे अगर आप इसको 6 फुट का भी फ्लाइट दे देंगे तो इसके लिए बेहतर है, लेकिन हम लोगों के पास छोटे छोटे केजेस होते हैं, तो मिनिमम आपने जो है इसको 2x2x4 का पोर्शन देना है। अगर आपके पास लॉरीज हैं या लॉरिकीट्स हैं तो ये बेहतरीन इनके लिए साइज़ है। आप जो है इसमें 2 स्टिक्स लगाएंगे, एक बॉक्स के पास और एक इधर, ताकि मैंने आपको बताया कि एनर्जेटिक बर्ड है, ऊपर नीचे मूव करेगा, तो जितना ये हैप्पी रहेगा उतना ही अच्छे ब्रीड करेगा। और आप जो है इसके केज में अगर टॉयज कोई लगाना चाहें तो उसके लिए और अच्छा है। इसके अलावा इसके जो बॉक्स की बात करें तो बॉक्स जो है इसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के बॉक्स लगाते हैं, कुछ लोग जो है वो इसे रिंग नेक वाला बॉक्स भी जो है वो भी लगाते हैं। मैंने जो है उनको एल शेप का बॉक्स दिया हुआ है, जैसा कि अभी क्लिप में भी देख रहे हैं, मैंने उनको एल शेप का बॉक्स दिया हुआ है क्योंकि लॉरी जो है जंपिंग करती हैं तो कभी कभार डर के या वैसे कोई एकदम जंप करती हैं ऊपर से तो वो अपने अंडों के ऊपर जंप करती हैं और इनके अंडे जो है वो इनसे स्क्रैचेज आ जाते हैं, वो टूट जाते हैं, तो इसीलिए जो है जब एल शेप का बॉक्स लगाया जाता है तो वो ऐसे साइड पे जाके अंडे देती हैं, और जब भी वो बॉक्स से उतरती हैं तो फिर आराम से अपने अंडों पे चली जाती हैं, अंडों का नुकसान जो है वो नहीं होता। लेकिन बाहर के ममालिक में और भी जो है वो डिफरेंट शेप्स की, जैसे आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, डिफरेंट शेप्स के इनको जो है वो प्रोफेशनली जो ब्रीड करवा रहे हैं उन्होंने इसको डिफरेंट शेप के बॉक्स दिए हुए हैं ताकि इसमें अच्छी ब्रीड करें। लॉरीज जो हैं, लॉरीज बिल्कुल पैरट की तरह नहीं है कि कोई 6 अंडे कोई 7 अंडे, लॉरीज जो हैं वो सिर्फ 2 अंडे देती हैं और इसमें से सिर्फ 2 ही बच्चे निकलते हैं। अंडे देने के बाद जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो तकरीबन 22 से 25 दिन में जो है वो बच्चे निकल आते हैं, और बच्चे जब निकलें तो आपको जो है वो इसका वैरायटी ऑफ फूड इतना ज़्यादा कर देना है कि आपने जो अगर दिन में 3 दफ़ा 2 दफ़ा डाल रहे तो आपने 4 दफ़ा इसको जो है वो नेक्टर देना है पीने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, स्पेशली सेब और दूसरे फ्रूट्स आप वैसे भी जो है वो इनको दे सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि बच्चे निकलने वाले हैं आपने इनके वैरायटी ऑफ फूड बढ़ा देना है। इससे ये होगा कि अक्सर जो है वो अगर आप ये चीज़ें कम रखेंगे तो वो जैसे बच्चे निकल रहे हैं अपने बच्चों को फीड ही नहीं करवाते, और अगर आपने इसका वैरायटी ऑफ फूड बढ़ा दिया तो अगर आप इसको 12 महीने भी आप इससे ब्रीड लेना चाह रहे हैं, ये आपके पास 12 महीने ब्रीड करेगी और नॉन स्टॉप ब्रीडर है। आप बिल्कुल इसका कोई ब्रीडिंग सीज़न नहीं है, वैसे तो मेरे ये बॉक्स लगे ही रहते हैं और माशाल्लाह से ये ब्रीड करते ही रहते हैं, तो आपने जो है इसका अगर टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ तो आप 12 महीने इससे 5 से 6 क्लच ही ले सकते हैं, जितना आपका दिल करता है उतने ही अच्छे ब्रीड करेगी। और उसका ये है कि आप जो है वो इनके बच्चे जल्दी उठाने पड़ेंगे। इनके बॉक्स में जो है हम जो है वुड शेप होती है, वुड शेप का इस्तेमाल करते हैं, बॉक्स में लगा देते हैं वुड शेप, और ये माशाल्लाह बहुत स्पीडली जो है वो ब्रीड करती हैं, 2 अंडे और 2 बच्चे। लॉरीज में जो है वो बहुत से, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कौन सी लॉरीज लगानी चाहिए तो इनमें जो है वो कैटेगरी वाइज जितनी भी लॉरिकीट्स हैं वो थोड़ी सस्ती हैं और जितनी भी लॉरीज हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, तो आपको देखना है कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इसकी जो है वो 50 से ज़्यादा इकसाम है जो कि ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है,
तो जो है इसकी पूरी दुनिया में 50 से ज़्यादा इकसाम हैं जो लोग ब्रीड करवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो फेमस लॉरीज और लॉरकीट्स हैं उसमें जो लॉरकीट्स हैं उसमें आपकी रेड कॉलर है, आपके स्विंसन लॉरी है, आपकी रेनबो है और आपकी जो है वो डस्की लॉरी है। ये पाकिस्तान में ज़्यादातर ब्रीड करवाई जा रही हैं और जो लॉरीज हैं उनमें आपकी जो सबसे खूबसूरत मुझे जो लॉरी लगती है वो चैटरिंग लॉरी है। चैटरिंग लॉरी इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा प्लान है ख़रीदने का, मैं ज़रूर लगाऊंगा। ये लॉरी जो सबसे खूबसूरत है, इसके अलावा येलो बिब जो है वो लॉरी होती है, इसके अलावा ब्लैक कैप होती है और भी बहुत सारी हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो आपका दिल करता है वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये जो है बेसिकली ना कमर्शियल बर्ड है ना ट्रेंडिंग बर्ड है, ये है शौक का बर्ड। तो शौक के बर्ड के लिए थोड़ी सी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसकी जो कूप्स हैं और इनकी चीज़ों को आप देखना पड़ेगा। ट्रे बेसिकली हम इनका साफ़ नहीं करते, इनका ट्रे धोते हैं। तो लॉरीज के बारे में मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जिससे इजीली आप इसको ब्रीड करवा सकें और जो छोटी छोटी टिप्स थी जो इसकी बेसिक थी वो मैंने आपको बता दी, ताकि जब भी आप लॉरीज ख़रीदें तो ऐसा ना हो कि आप उनको दाने पर रखें और आपका नुकसान हो जाए। तो लॉरीज जो हैं आप इनके बच्चे भी ख़रीद सकते हैं, आप बड़े पेड़ भी ख़रीद सकते हैं, और अगर आप इंजॉय करना चाह रहे हैं तो इसको जो है बच्चों को हैंड फीड खुद से करवा कर आप अपना एक अच्छा पेट भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।